हाँ, मैं डॉक्टर विजय राघवन पिछले कई वर्षों से डायबिटीज़ का विभिन्न तरह का उपचार पर मैंने बहुत सारे रिसर्च किए हैं। उसमें एलोपैथिक में जितनी भी दवाई आप जानते हैं, पहले मैं उसी की प्रैक्टिस किया करता था अन्य डॉक्टरों की तरह, जो कि ग्लिमिप्राइड, इंसुलिन, सीटाग्लिप्टिन या और भी जो डाइट चार्ट एलोपैथिक डॉक्टर्स के तरफ से लोगों को दी जाती है, वो उनका ही मैं प्रैक्टिस किया करता था। उन दवाइयों में डायबिटीज शुगर कम करने की दवा होती है और ब्लड प्रेशर की दवा होती है, जो प्रायः और कोलेस्ट्रॉल की दवा, ये तीन दवाई प्रायः लोग खा रहे हैं। और मैं भी यही दवाई लिखा करता था एलोपैथिक डॉक्टर होने के नाते। लेकिन जब मैं समय के साथ साथ मैंने महसूस किया कि इन दवाइयों से किसी का शुगर कंट्रोल ही नहीं हो रहा, मेरे पास जो भी मरीज आते थे वो ये कहते थे कि मेरा शुगर कंट्रोल है लेकिन हम मैं दवाई खाता हूँ। लेकिन जब शुगर की जांच होती है, जो खास करके ब्लड शुगर, फास्टिंग पीपी और एच बी ए वन सी, सभी सभी डायबिटीज़ के मरीज को पता है कि HbA1c 3 महीना का एवरेज शुगर दिखाता है। जब मैं वो जांच करता था तो किसी भी व्यक्ति का शुगर कंट्रोल नहीं पाया जाता था। इसके बाद मैंने देखा कि चलो देखते हैं कि बाकी जो डॉक्टर इलाज कर रहे हैं अलग अलग जगहों पे, जैसे पटना में, दिल्ली में, पूर्णिया के और डॉक्टर्स, उसके यहाँ शुगर का कंट्रोल कैसा है। तो मैंने देखा कि किसी सभी का वही वही हाल है, किसी के यहाँ शुगर का किसी का कंट्रोल ही नहीं है। तो मैं कुछ कुछ डॉक्टरों से बात किया कि आखिर डायबिटीज़ की ये दवाई जब शुगर का कंट्रोल करने दी के लिए दी जाती है, तो इससे शुगर तो कंट्रोल है ही नहीं। नेचुरली बात है, जब शुगर कंट्रोल ही नहीं है तो उसका किडनी भी फेल होगा, हार्ट भी फेल होगा, सारा बीमारी उसको होगा। इसके बाद मैंने बहुत सारे साइंटिस्ट का, अलग अलग देशों के साइंटिस्ट का रिव्यू पढ़ा, मैंने इस पर एक्सटेंसिव रिसर्च किया, तो मालूम चला कि ये शुगर जो है एक्चुअली में शरीर के लिए हार्मफुल होता है, जो कि सभी जानते हैं। शायद हर एक MBBS डॉक्टर, हर एक डॉक्टर को पता है कि शुगर शरीर के लिए हार्मफुल होता है। और ये जो दवाई है, जो एलोपैथिक दवाई आप खा रहे हैं, ये दवाई उसी शुगर को आपके बॉडी में स्टोर करता रहता है, जिसके वजह से विद टाइम शरीर में मेटाबॉलिक चेंजेज आ जाता है, जिस वजह से वो बहुत सारे लो एनर्जी का शिकार हो जाता है। सबसे पहले मरीज को एनर्जी लेवल काफ़ी घट जाता है। एनर्जी लेवल घट इसीलिए जाता है कि बॉडी में शुगर का ओवरलोड हो जाता है उसको। इसके बाद मैंने अलग अलग उपचारों का अध्ययन किया, जैसे नेचुरोपैथी। नेचुरोपैथी के उपचार में सबसे बड़ी समस्या क्या है कि वो सभी कोई नहीं ले सकता उसको। एक तो उसमें एक स्पेशल टाइप का सारा सिस्टम है, जो कि आज के मॉडर्नाइज युग में लोग इम्प्रैक्टिकल सा लगता है लोगों को। फिर आयुर्वेद है, आयुर्वेद में भी बहुत सारी मेडिसिन है जो कि जिसके प्रभाव से शुगर कुछ देर के लिए तो कम सकता है, लेकिन इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट, परमानेंट ट्रीटमेंट वाली बात उसमें भी नहीं संभव है। तब जाके हमने अमेरिका में होने वाले बहुत सारे रिसर्च का अध्ययन किया, जिसको कि मेटाबॉलिक ट्रीटमेंट उन देशों में कहा जाता है, जिसका कि जो मेटाबॉलिक ट्रीटमेंट से बहुत सारे देश के लोग वहाँ पर, उन देशों में, जैसे अमेरिका में, इंग्लैंड में, जर्मनी में, फ्रांस में, चाइना में, इन सब देशों में उस ट्रीटमेंट को मेटाबॉलिक ट्रीटमेंट कहते हैं। वो कुछ डाइट और कुछ फूड सप्लीमेंट के कम्बिनेशन से वो लोग डायबिटीज़ को मैनेज करते हैं। अभी नवीनतम अनुसंधान के हिसाब से डायबिटीज में क्या मुख्य वजह न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी है, जैसे समझ लीजिए कि एक तरह से माल न्यूट्रिशन है, शरीर में कुछ चीज़ों की कमी है जिसकी वजह से शरीर आपका शुगर का मेटाबॉलिज्म या और भी चीज़ का मेटाबॉलिज्म नहीं कर पाता है और बीमारी उसको हो जाती है। क्योंकि मैं पूरे देश में घूम घूम के इलाज नहीं कर सकता और ना ही पूरे देश के लोग एक जगह पर आके इलाज करा सकते हैं, इसीलिए हमने इसके लिए मेटाबॉलिक डाइट किट बनाया है, डायबिटीज़ का किट, जिसमें कुछ दवाई है और कुछ डाइट चार्ट है। और प्लस उसके साथ साथ आप हमारा ऑनलाइन कंसल्टेंसी और हमारे जो टीम है उनकी मदद से आपको आपके बीमारी के विभिन्न विभिन्न पहलुओं पर का समाधान आपको मिलेगा। जैसे कि
डायबिटीज़ के आदमी को सेक्सुअल वीकनेस होता है, डायबिटीज़ के आदमी को जनरल वीकनेस होता है, डायबिटीज़ का आदमी कोई चीज़ पर फोकस कंसंट्रेट नहीं कर सकता है, धीरे धीरे उसका क्रिएटिनिन लेवल बढ़ने लगता है और बाद में किडनी फेल हो जाता है, डायबिटीज़ का आदमी का वजन बढ़ जाता है, उसका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, वो चलने पर हाँफने लगता है और कम उम्र में ही बूढ़ा दिखने लगता है। प्रायः डायबिटीज़ में मूलतः यही होता है, लेकिन शुरुआती दौर में किसी किसी मरीज को डायबिटीज़ की वजह से अचानक वेट घट जाता है, लेकिन ज़्यादातर मामलों में वजन बढ़ता रहता है, वजन इतना बढ़ जाता है कि आदमी अपना वजन को संभाल नहीं पाता है और डायबिटीज़ की वजह से ही कुछ लोगों को कैंसर हो जाता है। मैं किसी अन्य वीडियो में बताऊंगा कि किस तरह से इंसुलिन किडनी फेल्योर के लिए रिस्पॉन्सिबल है और किस तरह से उसी इंसुलिन की वजह से आदमी को कैंसर भी हो सकता है। तो तत्काल के लिए आप मैं चाहता हूं कि पूरा देश का आदमी इस बीमारी से मुक्ति पाए। इसके लिए जो भी करना पड़े, हम लोग ऑनलाइन लोगों को अवेयर करने की कोशिश कर रहे हैं और आप लोग भी हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके और लोगों को अवेयर कर सकते हैं, जिससे कि हर एक आदमी का भला हो। आदमी इस बीमारी से ऐसा स्टक हो जाता है कि उसका पारिवारिक जीवन, उसका आर्थिक जीवन, उसका सामाजिक जीवन सब बर्बाद हो जाता है। अंत में वो सिर्फ डॉक्टर के यहाँ चक्कर काटते काटते ही उसका जीवन बीत जाता है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है इन जनरल डायबिटीज़। और बहुत आदमी को डायबिटीज़ नहीं भी होता है। सबसे खास बात है कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिसको कि डायबिटीज़ के सारे लक्षण हैं लेकिन उसका शुगर नहीं बढ़ रहा, वो भी डायबिटीज़ का एक अलग रूप है, क्योंकि वो बिना शुगर बढ़े भी उन लोगों को किडनी फेल हो जा रहा है, बिना शुगर बढ़े ही उसको हार्ट अटैक हो जा रहा है। तो एक बहुत बड़ा ये मेटाबॉलिक डिजीज करके इसको हम लोग क्लासिफाई करते हैं। इसमें बहुत सारे रोग आते हैं, जैसे देखिए थायराइड, बहुत सारे लोगों को थायराइड है और उसमें भी यही सब बीमारी हो रहा है। बहुत सारे लोगों को हाइपर लिपिडेमिया है, जैसे कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है लेकिन उसका शुगर नहीं बढ़ा है। बहुत सारे लोगों को सारा लक्षण है, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है लेकिन शुगर नहीं बढ़ा है। ये सभी एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम के रूप में आता है, जिसका कि इलाज हमने डेवलप किया है और आप लोग हमारे वेबसाइट पर जाएं और उसको इससे धीरे धीरे करके आप अपने जीवन को बेहतर बनाने का कोशिश करें। आप विश्वास मानिए, आपको बहुत सारे बीमारियों से मुक्ति मिल सकती है, आपका जीवन खुशहाल हो सकता है, आपका मानसिक लेवल बेहतर हो सकता है, आप बेहतर क्लैरिटी से सोच सकते हैं और बेहतर इंसान बन सकते हैं।